मनुष्य संस्कारों के अनुसार ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। संस्कार का तात्पर्य है कर्म बीज जो उसके चित्त में समाहित है। उन संस्कारों को परमार्जित करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व होता है और यह कार्य माता पिता एवं आचार्य के द्वारा किया जाता है। शरीर का भरण पोषण तो कोई भी कर सकता है, ये तो पशु पक्षी के लिए भी सुलभ है, किंतु एक बालक या बालिका को यह बोध नहीं होता कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना चाहिए, हम अपने भाग्य का निर्माण कैसे करें। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा तो साक्षात मानवत्व धारण करके प्रत्येक बालक को यह शिक्षा नहीं दे सकता कि तुम्हें अपने संस्कारों का निर्माण कैसे करना है। यह कार्य माता पिता एवं आचार्य के द्वारा किया जाता है। जिस व्यक्ति में उच्च संस्कारों का निर्माण हो जाए निश्चित है कि वो देवत्व को प्राप्त करता है, महापुरुष के स्तर तक पहुंचता है और तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवति को सार्थक करता है। जिस भी तन के द्वारा मानव समाज के संस्कारों का परिमार्जन किया जाता है निश्चित रूप से वह तन धन्यवाद का पात्र होता है, सारे शिष्ट उसकी ऋणी होती है। बड़ा से बड़ा महापुरुष भी बचपन में ज्ञान देने वाले अपने माता पिता एवं आचार्य का ऋणी होता है। वो जीवन के स्वर्णिम समय में भी अपने उन महापुरुषों को भूल नहीं पाता जिनकी छत्रछाया में बैठकर वह ज्ञान प्राप्त किया है। चाहे माँ की उंगली पकड़कर चलते समय मिलने वाली शिक्षा हो या पिता की स्नेह एवं कठोर अनुशासन से मिलने वाले समय में मिली गई शिक्षा या आचार्य के द्वारा मिलने वाली शिक्षा। जब बालक घर द्वार छोड़कर आचार्य के शरणागत होता है तो आचार्य के हृदय में अपनी माता और पिता दोनों की छवि देखता है और तो और आचार्य के अंदर उस ब्राह्मी रसधारा का भी अनुभव करता है जो परब्रह्म की सान्निध्यता में प्राप्त होती है। इसलिए आचार्य में माता पिता एवं परमात्मा के आध्यात्मिक प्रेम की दिव्य छाया कला करती है। बालक तो एक अबोध होता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं क्या उचित है क्या अनुचित। वैसे ही किशोर अवस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो अपने अंदर होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से वो कुछ उत्तेजित सा होता है। वो निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे किस दिशा को चुनना है। एक तरफ उसको भोगमय संसार दिखता है तो दूसरी तरफ योग का डंका बज रहा होता है। एक तरफ संसार के भौतिक सुखों का आकर्षण उसे खींचता है तो दूसरी तरफ उसको लगता है कि यदि मैं राष्ट्र सेवा करूं, समाज सेवा करूं या आध्यात्मिक आनंद में जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन एक उच्च निर्देशक ही यह बता सकता है कि तुम्हें करना क्या है, किस मार्ग का अवलंबन करना है, कैसे तुम्हें अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को सही दिशा में ले चलना है। और यदि यह सही रूप में यह कार्य संपादित होता है तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। मनुष्य अपने विचारों का पुतला होता है, विचारों का निर्माण मानसिक स्तर पर होता है, संस्कारों का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। जो व्यक्ति जिन संस्कारों से सुवासित होता है उन्हीं संस्कारों के अनुसार उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व में ही ऊंचे विचार कार्य करते हैं। आज आवश्यकता है कि हम हर व्यक्ति में ऊंचे संस्कारों को प्रादुर्भूत करें और यह कार्य होगा परब्रह्म की शरण से, परब्रह्म के अनन्य ज्ञान से, प्रेम से। जीवन में श्रद्धा समर्पण विश्वास का गुण जिसके अंदर आ जाता है निश्चित रूप से वह श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। हम कितने भी धनवान बन जाएं, कितने भी भौतिक सुख संसाधनों को एकत्रित कर लें, किंतु यदि हमारे संस्कार विकृत हैं तो हमारा मानव जीवन कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए कि हमारे अंदर उच्च संस्कारों का विकास हो। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दाहोद में जो ये किरण बहन जी, कैलाश बहन जी एवं गौरी बहन जी के निर्देशन में जो बालकों का बालिकाओं का
ये 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही शुभ संकेत है कि हमारी मातृशक्ति बच्चों के नव निर्माण में लगी हुई है। बचपन में माँ जब बच्चों को लोरी सुनाती है तो भी बहुत आनंदमय लगता है, किसी भाग्यशाली को यह सुख नसीब होता है। जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो प्रेम के साथ अनुशासन का भय दिखाकर माँ उसको एक सांचे में ढालना चाहती है, यही कार्य आचार्य का होता है। और सौभाग्य है कि ये तीनों माताएं आचार्य का भी उत्तरदायित्व निभा रही है और माँ का भी उत्तरदायित्व निभा रही है। और मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे इनके कुशल निर्देशन में एक आध्यात्मिक दिशा प्राप्त करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में रहकर क्या करना है ये भी मार्गदर्शन मिलेगा, हम राष्ट्र के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं ये भी मार्गदर्शन मिलेगा, सामाजिक धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करना हर मानव का कर्तव्य होता है और ये संभव होगा कि उच्च संस्कारों के निर्माण से। जो भी कार्यक्रम किया जाए, जो भी ज्ञान की धारा प्रवाहित की जाए, उसके साथ आध्यात्मिक विकास का होना आवश्यक है। मैं शुभकामना करता हूँ कि पूरे देश में ऐसे ऐसे जगह जगह कार्यक्रम किए जाएं ताकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके। कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान बन जाए किंतु यदि उसके संस्कार ऊंचे नहीं हुए, उसको कोई प्रेरणा स्रोत नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं भटकाव की संभावना बन ही सकती है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत ही आवश्यक है जिसमें कम पढ़े लिखे बच्चे भी एक नवीन प्रेरणा ग्रहण कर सके और अपने जीवन को उच्च आदर्शों में ढाल सके। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्य से प्रार्थना करता हूँ और इस कार्यक्रम का निर्देशन करने वाले तीनों बहनों जो कैलाश मैन, किरण माता जी और गौरी बहन को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और सबके लिए शुभकामना करता हूँ कि सभी राज्य की तरफ तेजी से और जुड़े और सारे समाज को अपनी तरफ।